ठीक है, यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर इस डेटा को प्रिंट कर लेते हैं एक्स को, ठीक है। अब हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू ए, तो यहाँ पे न्यू ए लिखेंगे, ये डिफॉल्ट कंसीडर हमारा कॉल होगा, और क्या प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ पे, टेन प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है, जावा सी ए डॉट जावा, ठीक है, देन जावा ए करके यहाँ पे रन कर देते हैं, आ गया टेन, और ये हमारा डिफॉल्ट कंसीडर है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हमारा डिफॉल्ट कंसीडर है, डिफॉल्ट कंसीडर, ठीक, कंपाइल एंड रन। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इनिट ब्लॉक बना लेता हूँ, ठीक है, इसे इनिट ब्लॉक बोलते हैं, मैंने आपको बताया अभी। ये इनिट ब्लॉक कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रोग्राम में यहीं लिखेंगे, जहाँ मर्जी वहाँ लिख दो, आप कहीं भी लिख दो, ठीक है, कहीं भी लिख दो, क्लास के अंदर, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर तो कभी लिख ही नहीं सकते कोई चीज़, ठीक है, क्लास की बाउंड्री के अंदर ही रहकर करना है, कहीं लिख दो, ऊपर लिखो, नीचे लिखो, कहीं लिखोगे, मेथड के अंदर मत लिखो, मेथड के अंदर नहीं लिखना। देखिए लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया ना कि डोंट कीप इनिट ब्लॉक इनसाइड अ मेथड, उसका रीजन है कि अगर उसे आप लिखोगे तो इनिट ब्लॉक की तरह ट्रीट नहीं होगा, नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट होगा वो। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्स की जो वैल्यू है 10 उसको इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे 20, तो इनिशियलाइजेशन कंसीडर में भी है, इनिशियलाइजेशन यहाँ पे भी कर दिया। अब आप ये बताइए कि ऑब्जेक्ट बनते ही पहले क्या चलता था, कंसीडर, तो अब आपका कंसीडर के चलने से भी पहले क्या चलेगा, इनिट ब्लॉक, यानी कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो होगा वो 20 पहले होगा, 10 बाद में होगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है इनिट ब्लॉक, आप चाहें तो यहाँ पे इनिट ब्लॉक लिख, तो कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि इनिट ब्लॉक कंसीडर से भी पहले चलता है, आप लिख दीजिए इनिट ब्लॉक, ठीक है, इनिट ब्लॉक वन। तो अगर अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पैरामीटराइज कंसीडर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पैरामीटर इनिशियलाइज कर दिया, अब पैरामीटराइज कंसीडर हमारे पास तो बना नहीं है, एरर आ जाएगा, चलिए मैं बना लेता हूँ, से मैंने बना लिया, ठीक है, अब यहाँ पे से मैंने यहाँ पे वाई ले लिया, अब आप देखिए क्या ये जो पैरामीटराइज कंसीडर है, ये पैरामीटराइज जो कंसीडर कॉल हुआ, इसको यहाँ प्रिंट किया मैंने, नहीं ना, नहीं प्रिंट किया है, तो मैंने प्रिंट भी कर लेते हैं लोग, तो कंसीडर तो एक बार चलता है किसी ऑब्जेक्ट पे, बट डिफॉल्ट वाला चलाओगे डिफॉल्ट चलेगा, पैरामीटराइज चलाओगे पैरामीटराइज चलेगा, ठीक है, लेकिन ये जो इनिट ब्लॉक है ना, ये दोनों कंसीडर के लिए चलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ, 20 आया इनिट ब्लॉक वन चला, फिर 10 आया भाई, 20 इनिट 20 10 और डिफॉल्ट कंसीडर, ये तीन चीज़ तो पहले चलता ही था, इस बार भी वही चला है, 20 आया इनिट ब्लॉक वन आया एंड 10 आया, ठीक है, तो यानी कि 20 के जस्ट बाद 20, अच्छा मैंने यहाँ मैसेज दिया हुआ है इनिट ब्लॉक वन, इसलिए आ रहा है, पहले नहीं दिया था, ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि ऑब्जेक्ट बना, देखिए ऑब्जेक्ट बना, डिफॉल्ट कंसीडर चला यहाँ पे, डिफॉल्ट कंसीडर चला ये, लेकिन इस कंसीडर से भी पहले क्या चला, ये इनिट ब्लॉक, इसका तीन स्टेटमेंट है 20 और इनिट ब्लॉक वन, देखिए 20 इनिट ब्लॉक वन आ गया, फिर कंसीडर चलेगा उसमें 10 लिखा हुआ था, 10 आ गया, और फिर ये डिफॉल्ट कंसीडर चला, देखिए आया ना, अच्छा लेकिन दूसरे के लिए फिर से क्या चला, 20 और इनिट ब्लॉक, यानी कि इनिट ब्लॉक दो बार चला है, दोनों के रिस्पेक्ट में चला है, ठीक है, तो अगर हमारे पास एक नहीं दो नहीं चार इनिट ब्लॉक हों, जितने मर्जी उतने इनिट ब्लॉक हों, तो इनिट ब्लॉक हर कंसीडर के रिस्पेक्ट में चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे डेटा इनिशियलाइजेशन वाला कोड अगर मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ, से मैंने यहाँ पे इसे कमेंट कर दिया, यहाँ लिख दिया इनिट ब्लॉक वन, और मैं यहाँ पे बहुत सारे इनिट ब्लॉक बना देता हूँ, से मैंने यहाँ पे बना दिया इनिट ब्लॉक टू, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैंने यहाँ से एक तीसरा इनिट ब्लॉक बना दिया इनिट ब्लॉक थ्री, हमारे तीन इनिट ब्लॉक हो गए, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमारे पास एक और दो है, तो आप प्रोग्राम में देख सकते हो कि इनिट ब्लॉक वन, फिर इनिट ब्लॉक टू, फिर इनिट ब्लॉक थ्री,
और जिस सीक्वेंस में लिखे गए थे, yes, और जिन पहला कंसेडर डिफॉल्ट कंसेडर चला उसमें डेटा इनिशियलाइजेशन था, तो वो आप चाहो तो यहाँ पे कमेंट कर दो, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें डेटा, तो डिफॉल्ट कंसेडर चला। एंड देन दूसरा कंसेडर चला फिर हमारा पैरामीटराइज वाला, यहाँ देख सकते हो, देखिए इनिट ब्लॉक 1 2 3 एंड डिफॉल्ट कंसेडर, देन इनिट ब्लॉक 1 2 3 देन 12। अगर हमारे पास कोई ऐसा भी कंसेडर हो जो 3 पैरामीटर ले रहा हो तो उसके लिए भी चलेगा। से मैंने यहाँ पे इंट वाई और इंट जेड ले लिया, ठीक है, ये कंसीडर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बन गया एक तरह, जब एक ही प्रोग्राम में एक ही नाम से कंसीडर हो और पैरामीटर अलग अलग हो तो कंसीडर ओवरलोडिंग कहलाता है, ठीक है। तो फिलहाल अब आप यहाँ पे मान लीजिए कि मैं अगले वाले कंसीडर को भी कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, से मैंने यहाँ पे 45 एंड 60 दे दिया। तो अब ये देखिए जरा आप कोड को कंपाइल करिए, रन करिए, देखिए इनिट ब्लॉक 1 2 3 डिफॉल्ट कंसीडर, इनिट ब्लॉक 1 2 3 12, इनिट ब्लॉक 1 2 3, यानी कि हर कंसीडर के चलने के पहले चल रहा है। और इनिट ब्लॉक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनिट ब्लॉक जो आपने पहले लिख दिया, सॉरी ये जो वन वाला है वन ही पहले चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनिट ब्लॉक में इनिट ब्लॉक, मैंने इनिट ब्लॉक 4 को पहले लिख दिया तो सबसे टॉप पे 4 आएगा, देख सकते हो। अच्छा, इनिट ब्लॉक किसी मेथड में मत लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इनिट ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया इनिट ब्लॉक, तो ये इनिट ब्लॉक ट्रीट ही नहीं होगा, ये नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं इनिट के जैसा हूँ, इनिट है नहीं। आप कोड को कंपाइल करिए, रन करिए, अगर वो इनिट ब्लॉक होगा तो हर के रिस्पेक्ट में चलेगा, लेकिन नहीं चला, वो तो एक बार चला थे वो मैट के जैसा, क्योंकि वो नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह बिहेव करा, ठीक है। तो ये है इनिट ब्लॉक, बेसिकली इनिट ब्लॉक के अंदर अभी तो मैंने जस्ट मैसेज लिखा है यहाँ पे, है ना, कि मैं इनिट ब्लॉक हूँ या इनिट के जैसा हूँ, ये कोई मैसेज जरूरी नहीं यही लिखो। आप इस इनिट ब्लॉक के अंदर जो मर्जी वो बिजनेस लॉजिक लिख सकते हो, डेटा इनिशियलाइजेशन के अलावा कोई भी काम कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट, इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनने से पहले दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाए, तो वो भी कोड यहाँ पे लिख सकता हूँ इनिट ब्लॉक के अंदर, ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये अगर ये समझ में आ रहा है तो मुझे ये बताइए कि अगर कॉपी कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे ये डेटा इनिशियलाइजेशन का कोड हटा दिया, इनिट ब्लॉक 4 लिख दिया, यहाँ पे डिफॉल्ट कंसीडर लिख दिया, यहाँ पे इसे हटा दिया, यहाँ पे इसे हटा दिया, ठीक है, और अब मुझे आप बताइए कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। अभी आप ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे क्या 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 किया गया है, यहाँ पे किया ये गया है, इसको मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस बी नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। देखिए एक इनिट ब्लॉक 4 है, ये डिफॉल्ट कंसीडर है, ये हमारा मेन मेथड है, इसके अंदर भी इनिट ब्लॉक बना दिया, ठीक है, ये मेन बंद हो गया, देन इनिट ब्लॉक 2 है एंड देन इनिट ब्लॉक 3 है, तो आउटपुट क्या आएगा, पहले कंपाइल कर लेते हैं कोड, जावा सी एंड बी डॉट जावा, हो गया कंपाइल। बताओ भाई सुमित, बताओ आउटपुट क्या आएगा, सुमित छन कुलदीप, हाँ जी बताइए। ऑब्जेक्ट नहीं बनाया मैंने अभी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमें जो ये प्रोग्राम अभी लिखा हुआ है इसी का आउटपुट हमें चाहिए, ये 4 है, कंसीडर है, ये है एंड इनिट ब्लॉक 2 है, इनिट ब्लॉक 3 है, तो कौन सा इनिट ब्लॉक पहले चलेगा? ये वाला 2, इनिट ब्लॉक 2 पहले चलेगा, और तो आपका आउटपुट क्या है? हाँ आपका क्या है आउटपुट बताइए कुलदीप, 2 3 4 पहले इनिट ब्लॉक 2 चलेगा, फिर क्या चलेगा? प्ले चलेगा ये वाला, कौन सा? मैं इनिट के जैसा हूँ, ये पहले चलेगा, उसके बाद तो है ही नहीं इनिट ब्लॉक, 2 चलेगा, 2 3 एंड लास्ट में 4 चलेगा, है ना, ठीक है, इसके बाद डिफॉल्ट कंसेप्टर, ठीक। चलिए देख लेते हैं भाई, देखिए जैसे मैंने प्रोग्राम को रन करा आउटपुट आया मैं इनिट का जैसा हूँ, ठीक है। इसका रीज़न है ये
कि इनिट ब्लॉक जो है, इनिट ब्लॉक का हमने, इनिट ब्लॉक कब चलता है, ऑब्जेक्ट बनने से पहले, ऑब्जेक्ट बनाया हमने नहीं बनाया तो ऑब्जेक्ट बनाया नहीं तो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं है, ये मैंने आपको बताया नहीं तो सोचना और इम्प्लीमेंट करने में तो डिफरेंस है ना। सोचता तो मैं बहुत कुछ हूँ, मैं सोचता हूँ मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा, ठीक है, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, सोने से फुर्सत कहाँ है। तो बात वही है, सोचना नहीं है इम्प्लीमेंट करना है। आप क्या सोच रहे हो कि छोटे छोटे चीजें जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो छोटी पॉइंट बताई जाती है उसे ध्यान से सुनना है। ये जो ऊप्स की कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, यही पूरा जावा में यूज होने वाला है। तो यहाँ पे इनिट ब्लॉक इनिट के जैसा हूँ, यही क्यों प्रिंट हो गया आया, क्योंकि इनिट ब्लॉक है ही नहीं, वो नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह बिहेव करा उसने, प्रिंट हो गया ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट बना नहीं तो कंसेप्ट चला नहीं, और कंसेप्ट चला नहीं तो इनिट ब्लॉक चला नहीं। देखो इनिट ब्लॉक हर कंसेप्ट के चलने से पहले चलता है, हाँ डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको जरूर रखना है। बाकी इनिट ब्लॉक से डेटा इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं और कंसेप्ट से भी पहले कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि कंसेप्टर से चलने के पहले ही क्यों चलता है इनिट ब्लॉक और कैसे चलता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, चलिए वो हम जानेंगे। अभी इतना समझ में आ गया आपको?